हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल, अब फ्यूल सेल्स होते क्या है? फ्यूल सेल्स आर दो सेल विच कन्वर्ट द कंबशन एनर्जी, दोस कन्वर्ट द कंबशन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस आपके जो फ्यूल सेल है उनका काम क्या है? कंबशन एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना? इलेक्ट्रिकल। अब जब कंबशन हो रहा है तो उसके अंदर क्या है? कुछ फ्यूल भी यूज हो रहा है। अब उसके बेस पे इसका सेल का नाम डिराइव हुआ। अब फ्यूल जो हम अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। फ्यूल सेल मीन्स इस सेल के अंदर जो फ्यूल है वो क्या है? हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन। इस सेल के अंदर जो दोनों ही फ्यूल है वो दोनों ही क्या है? गैसेस है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके डायग्राम में आइए। हमारे पास एक चैम्बर, चैम्बर के अंदर हमने इलेक्ट्रोड डिप की हुई और क्या ली हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज कर रहे हैं? क्यूएच। किस फॉर्म में? एक्वस। अब जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है? पोरस है। किसकी? कार्बन इलेक्ट्रोड। और उसके ऊपर क्या कोटिंग की हुई है हमने? प्लेटिनियम की या पैलेडियम। ये क्यों की हुई है? ताकि जो आपकी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कौन एब्जॉर्ब करता है? इसलिए प्लेटिनियम। अब प्लेटिनियम क्या कर रही है? कैटलिस्ट का काम कर रही है। उसको ऑक्सीडाइज होने में क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। मींस प्लेटिनियम यहाँ पे कैटलिस्ट के होने से रिएक्शन क्या हो रही है? फास्ट हो गई। इधर से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इधर से ये गेन कर रहा है और क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है? कमर्शियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सबसे बड़ा जो इसका प्लस पॉइंट है इस सेल का, इसके अंदर जो आपका साइड प्रोडक्ट है वो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वाटर। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वाटर। अब जो ये वाटर है, ये वाटर किस यूज में कर सकते हैं? ड्रिंकिंग पर्पस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैं बताऊंगा कहां यूज हुआ था। सबसे पहले इसकी रिएक्शन, जो मेन पार्ट है इस सेल के अंदर क्या है? रिएक्शंस। अब रिएक्शंस किस पे? एनोड पे। अब यहाँ पे एनोड क्या है? एनोड कौन है? नेगेटिव चार्ज, वही कार्बन की प्लेट है। ऐसे ही इधर भी कार्बन की इलेक्ट्रोड है और इसको प्लेटिनियम में पैलेडियम से क्या किया हुआ है? कोटिंग की हुई है। और इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं जिसे हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? अंदर इंट्रोड्यूस। अब एनोड पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो इधर से कौन जा रही है? हाइड्रोजन गैस जा रही है। अब हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो रही है? वाटर। हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो रही है? वाटर में। अब इधर हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो इधर क्या हो गया हमारे पास? सॉल्यूशन बॉक्स है जो इलेक्ट्रोलाइट में है, बेसिक तो हम बैलेंसिंग के लिए यूज कर रहे हैं, OH। अब इधर दो, इधर इनके तो हम इधर कर लेते हैं टू। ये हो गए आपके बैलेंसिंग। अब ये ऑक्सीडेशन है तो इसमें क्या होगा? टू इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज कर। टू इलेक्ट्रॉन क्या कर दी? ये रिएक्शन होगी आपकी किसके ऊपर? एनोड के ऊपर, ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। सेम एज आपके पास क्या है? कैथोड भी। अब अगर एक एनोड है तो दूसरी क्या है? कैथोड। कैथोड भी क्या होगा? रिडक्शन हुई। क्या हो रही है? रिडक्शन। अब जो रिडक्शन हुई वो किसके हुई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? गैस है आपकी। अब ऑक्सीजन क्या है? गैस। ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होगी? OH में। अब यहां पे क्या है? ऑक्सीजन क्या ले रही है? वाटर मॉलिक्यूल ले रही है और किस में चेंज हो रही है? OH। अब ऑक्सीजन क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? लूज कर रही है, सॉरी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? गेन। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगी? अगर हम इसको बैलेंस करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन प्लस O2, 2H2, oxygen, 2, 2, 4। ठीक है, ये इस टाइप से आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? कैथोड पे। क्योंकि एक ऑक्सीजन के लिए कितने लगते हैं? दो। तो यहाँ पे दो के लिए कितने लगेंगे? चार। तो मैंने चार इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 और 2, 4, 4। हाइड्रोजन भी 2, 2 4, 4। तो इस टाइप से ये क्या होगी? कैथोड। आप बता ओवरऑल रिएक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन देखिए, ओवरऑल रिएक्शन
कोएफिशिएंट क्या होते हैं ओवरऑल के लिए, एनओपी एच टू प्लस टू एच नेगेटिव गिव राइज टू एच टू ओ, टू एच टू ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एनओपी का कोएफिशिएंट क्या है, फोर इलेक्ट्रॉन प्लस O2 प्लस 2H2O गिव राइज टू 4OH इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे देखिए इनके इलेक्ट्रॉन क्या है, बैलेंस नहीं, तो हम इसको किससे करेंगे, तो से मल्टीप्लाई 2, यहां क्या हो जाएगा 4, यहां भी क्या हो जाएगा 4, यहां भी क्या हो जाएगा 4, हो गया 2 से मल्टीप्लाई। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कैंसिल हो गया, हमने क्या कर दिया दोनों साइड जब ऐड करेंगे तो कैंसिल हो गया, ऐसे ही 4OH से कैंसिल हो गया। अब 4OH 4H से कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन से क्या बचा 2H2 प्लस O2 गिव राइज, अब ये माइनस हो जाएंगे इधर तो क्या बना 2H2O, अभी क्या आपका फ्यूल सेल रिएक्शन। तो ऐसे फ्यूल सेल हमारा क्या करता है, काम करता है। अब इस फ्यूल सेल को जो यूज किया गया था वो अपोलो स्पेस प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किया गया था, जब आपके जो स्पेस ऊपर जाते हैं जितने, तो उसके अंदर अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज किया गया था। और इसके अंदर जो वाटर है, क्योंकि इसका साइड प्रोडक्ट क्या है, इसको ड्रिंकिंग पर्पस भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कैसे, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ से हम प्यूरीफाई करके यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप फ्यूल सेल को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अब इसके एडवांटेज क्या है, कुछ इसके एडवांटेज भी रहेंगे जो हमने यूज किया इसको, तो वो एडवांटेज को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अभी। तो इसका जो एडवांटेज था, एक तो ये जो मेन एडवांटेज था इसका, एक तो ये क्योंकि कंबशन हो रहा है तो पोल्यूशन फ्री था, मींस इसके अंदर कोई भी किसी टाइप का भी पोल्यूशन नहीं था, अब ये पोल्यूशन फ्री था। सेकेंडली हाई एफिशिएंट था, मींस इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू बताइए कि ये 100% क्या है एफिशिएंसी है, लेकिन जो प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली हमने ऑब्जर्व कितनी की है, 60-70% एफिशिएंसी होती है किसकी, फ्यूल सेल की। तो इस टाइप से ये क्या है, इसके एडवांटेज है जो हमें यूज करने से पता लगे कि ये पोल्यूशन फ्री है, इसका कोई पोल्यूशन नहीं, मींस कोई भी ऐसी गैस नहीं ये प्रोड्यूस कर रहा जो हमारे एनवायरमेंट को क्या हो, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं था एनवायरमेंट। तो हमारे ये क्या थे, इसके कुछ एडवांटेज थे जो हमने अभी स्टडी की। अब इसका डिसएडवांटेज क्या था कि एक हाइड्रोजन गैस को, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या है, बॉडी कम्बस्टिबल है, अगर उसको रोकने के लिए क्या हमें प्रॉपर क्या है, जो अपना इंस्ट्रूमेंट है, मतलब पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं से अगर वो लीक होगी तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो ये एक इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। तो ये हमारा क्या था, फ्यूल सेल था, कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, फ्यूल सेल एंड कोरी सेल। अब सबसे पहले जो है आपका निकल कैडमियम, अब निकल कैडमियम जो सेल है वो आपका कौन सा है, रिचार्जेबल सेल, कौन सा सेल है, रिचार्ज एवल, मींस हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार यूज करके फिर चार्ज करके फिर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मींस इसकी जो रिएक्शन है वो क्या है, रिवर्सिबल पॉसिबल है, लाइक हमारे प्राइमरी सेल में रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं थी, तो वो एक बार यूज होते तो डेड हो जाते थे। तो ये हमारी निकल कैडमियम बैटरी और क्या है, रिचार्ज। अब इसकी जो इट हैज longer life as compared to
स्टोरेज बैटरी, जो लेड स्टोरेज बैटरी थी है तो ये स्टोरेज, लेकिन इसकी जो लाइफ है वो लेड स्टोरेज से क्या है ज्यादा। सेकेंडली ये क्या है एक्सपेंसिव है, क्या है एक्सपेंसिव मींस कॉस्टली है ये, ठीक है। अब इसको हम स्टडी करते हैं, ये तो थी बेसिक सी बातें इसकी, अब हम इसकी रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। जो मेन इसका फंडा होता है हमारे सेल्स का वो क्या है रिएक्शंस। अब रिएक्शन सबसे पहले क्या है एनोड, अब पहले इसका डायग्राम देखते हैं कुछ ऐसा, डायग्राम में थोड़ा हाफ टाइट है तो ऐसा ही डायग्राम है ना, तो कुछ देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुछ ऐसे तीन पेपर लेके जैसे, और एक जैसे एक मार्कर है इसके चारों ओर मैं क्या कर दूं रैप कर, ठीक है। तो ऐसे पेपर लेके क्या किए हुए रैप किए हुए, पहला पेपर किसका है निकल ऑक्साइड का, जो बीच वाला है ये किसका है ये सेपरेटर है, और सेपरेटर को किसके अंदर टिक किया हुआ है QH और NUH, means basic solution के अंदर dip किया हुआ है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है basic solution, और ये जो last वाला जो आपको दिख रहा है ये कौन सा phase है आपका, या आपका कौन सा surface है cadmium का। अब इस type से हमारे पास क्या है, जो आपका nickel cadmium चल रहा है वो ऐसे क्या करता है उसकी जो construction है कुछ ऐसे आपने करा, और इसको ये क्या आपका निकल ऑक्साइड कैथोड और कैडमियम एक्ट एज एनोड, तो क्या कैथोड पे कौन सा जा रहा है पॉजिटिव, और ये क्या होगा नहीं ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये क्या होगी नेगेटिव प्लेट। अब इसको ऐसे पॉजिटिव ये क्या है नेगेटिव ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, और यहां से क्या है यहां पे क्या लगा दिया एक बल्ब लगा दिया कि जैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो ये बल्ब क्या होगा ऑन हो जाए, तो इस बैटरी को हम ऐसे अटैच कर सकते हैं। ये तो था बड़ा सिंपलीफाइड सा इसका डायग्राम जो आपने बनाया, और ये कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड है, क्या है इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस टाइप से ये क्या करता है आपका जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो आपने इस टाइप से बना दिया। अब ये वर्क कैसे करता है, अब रिएक्शन एनोड, एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे होगी कैडमियम, कैडमियम कैडमियम से किस पे जा रहा है कैडमियम हाइड्रोक्साइड पे। अब हाइड्रोक्साइड क्यों, क्योंकि उसको क्या मिल गया वहां से बेस मिल रहा है, जो ये आपका क्या है कैथोड है ये एनोड है, बीच में क्या है सेपरेटर, सेपरेटर क्या कर रहा है इनको अलग करने का काम कर रहा है, और सेपरेटर के अंदर हमने किसको इंट्रोड्यूस किया हुआ हमारे इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट QH एंड NUH आर द इलेक्ट्रोलाइट। अब कैडमियम जब इसके ऊपर क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी, ये OH के साथ लिंक करके क्या बनाता है कैडमियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पे OH कितने आ गए 2, तो मैंने क्या कर दिया CD plus 2OH नहीं, अब इसके ऊपर क्या ऑक्सीडेशन, अब ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा, तो इस टाइप से रिएक्शन क्या होगी बैलेंस होगी। ये रिएक्शन है आपकी एनोड कि कैडमियम कैडमियम से किसमें जो हो रहा है कैडमियम हाइड्रोक्साइड, सेम एज आपने क्या लेना है कैथोड। अब कैथोड जो है कैथोड पे क्या होती है आपकी कैथोड पे रिडक्शन होती है, अब कैथोड पे जब रिडक्शन होगी तो कैथोड पे क्या है हमारा कैथोड है निकल ऑक्साइड, और निकल ऑक्साइड किस में चेंज हो रहा है NiOH2X। अब निकल ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4 और इसकी क्या है +2, अब इस इलेक्ट्रॉन का कितना गेन हो रहा है कितने कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Ni plus 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे H कितने हैं 2, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया H2O। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे OH, इसको क्या कर दिया 2 से, क्योंकि यहाँ पे अपने देखे हो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं 2, तो यहाँ पे कितने हमने यूज कर लिए 2, बैलेंस भी हो जाएगी और यह रिएक्शन क्या होगी बैलेंस। अब निकल ऑक्साइड किसमें जा रहा है Ni4 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव में जा रहा है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, इसने क्या कर दिए गेन कर दिए,
ठीक है। अब यहाँ पे OH, 2H यहाँ रिएक्टेंट साइड है और यहाँ क्या है आपके प्रोडक्ट साइड। अब क्योंकि दोनों साइड क्या हो गया, बैलेंस हो गया, क्योंकि हमें क्या करेंगे जब ओवरऑल रिएक्शन करेंगे तो इजिली हमें जो हमारी रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, इजिली बन जाएगी, और जो बनेगी उसके अंदर जो OH है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, CD plus 2OH negative give rise to CD hydroxide plus 2 electron। अब इसके अंदर NiO2 plus 2 electron plus 2H2O give rise to NiOH twice plus 2OH negative। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, 2H से 2H कैंसिल। अब क्या हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, वो इधर देख लीजिए, ओवरऑल रिएक्शन बनेगी CD plus NiO2 plus 2 molecule of water give rise to, और गिव राइज टू में क्या आपके पास कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड, दोनों ही हाइड्रोक्साइड हो गए, ठीक है, ये आपकी क्या होगी ओवरऑल रिएक्शन। तो इस टाइप से आप क्या बता सकते हो कि जो आपकी निकल कैडमियम बैटरी है उसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, सीडी प्लस एनआईओ टू प्लस टू एच टू गिव राइज टू कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड। इसका जो पोटेंशियल होता है, जो ये करंट पास कर सकता है, वो नियर अबाउट 1.4 वोल्ट के करीब है। अब ये भी क्या है, सेकेंडरी सेल। तो जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है ये किसकी थी, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। ये भी कौन सी इक्वेशन थी, डिस्चार्ज। आप जब इसको अगर इसकी रिचार्जिंग पूछ लेता है तो ये